हेलो गाइस, कैसे हो आप? कोस आप लोग बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि बहुत पहले से भी ज़्यादा अच्छे होंगे। तो भाई, जानते हो एक सेम डाबरी प्लांटेशन कंपनी है, उसका भी कंपनी का तुम लोग को वीज़ा मिलता है। तो मतलब हर कंपनी एक जैसी होती है, मतलब तो उस कंपनी भी, कोई भी कंपनी को तुम लोग वीज़ा मिल रहा, तो ये सोचना कि ये खराब है वो खराब है। हर कंपनी में भाई एक चीज़ में मतलब ध्यान रखो कि हर कंपनी में एक ही नियम रहता है, बट कोई बड़ी कंपनी है तो उसका नियम थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा छोटा रहता है तो क्या है थोड़ा। बट पांच छह कंपनी है कि बड़ी बड़ी है, छोटी है, कोई बड़ा है, इसी तरह से करते करते भाई सेम डाबरी भी बहुत अच्छी कंपनी है जो रहते हैं वो। तो भाई जो उसका इंडिया से वीज़ा मिल रहा है भाई, सेम डाबरी की मिल रहा है, किसी का मिल रहा है, फेलकरा के मिल रहा है। फेलकरा है, एक फेलकरिया है। फेलकरा का नाम से दो कंपनी इसमें है, ठीक है ना? एक फेलकरा है, एक फेलकरा FGB भी हो गया, KL क्लांग हो गया, ये भी मस्त प्लांटेशन कंपनी। ऐसे करके मतलब पांच सात कंपनी ऐसी है, बड़ी बड़ी है। बाकी इसमें जानते हो भाई ये लोग में क्या है कि ये मलेशिया में खास कर भाई बहुत अच्छा है, नियम यहाँ बनाया गया है कि सभी वर्कर के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक ना भाई? बहुत ज़्यादा मतलब काम के लिए, सब कुछ के लिए भाई मलेशिया में। एक चीज़ ना ध्यान रखना भाई, कोई भी वर्कर मतलब काम का आ रहे हैं मलेशिया में, इतना चीज़ ध्यान रखना है तुमको, पानी के बिल का पैसा तुम ही को देना है, लाइट के बिल तुम ही को देना है, गैस के पैसा तुम ही को देना है, मतलब इस तीनों चीज़ के पैसा तुम्हारे ही को देना है। मतलब पैसा वो कंपनी देती है, पैसा तो देना ही पड़ेगा। जब आता है बिल तो तुमसे ले लेगा लोग, कोई कंपनी नहीं लेती है, कोई कंपनी ले लेती है। हर कंपनी ऐसा नियम नहीं है कि सब में पैसा मतलब वो ले लेगा, बस खास कर हर कंट्री से डिफिकल्ट कंट्री है, इसमें ना हर चीज मतलब काटता है। बात समझ रहे ना भाई? इसको बिल के पैसा देना ही पड़ेगा, बस उसमें कह के हर महीना में लाइट के बिल का पैसा उसमें आता रहता है, जानते हो ना? एक बार ना तुम्हारा काट लेगा फैन पता, पर तुमको पैसा मिलते रहेगा कि लाइट के बिल इतना है, पैसा मतलब कुल मिल जाएगा, पेट्रोल का पैसा, जो गाड़ी अपने तुम लोग जाती हो ड्यूटी करने के लिए भाई, वो बाइक का मतलब बाइक कितना खर्चा आता है पेट्रोल का भाई, तो भाई पेट्रोल के खर्चा कंपनी उठाती है। वो टायर शायर कुल ख़राब होगा तो उसका तुम्हारा काम, वो तुम्हारा ही रहेगा वो पर्सनली। पेट्रोल का एक दिन का 3 रिंगिट देता है, मतलब कि एक दिन में कितना अभी ड्यूटी करो, एक दिन का 3 रुपया हिसाब से जोड़ के वो पैसा मिलता है। अब इस महीना में देखो पैसा मिलता है, हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे उसके बारे में भाई। हम लोग का जानते हो पेट्रोल का खर्चा कितना है, बोलते हैं लोग कि हम हमारे महीना में एक महीना के पेट्रोल का खर्चा लगभग हमको बताते हैं आपको 30 रुपया, 35 रुपया आ गया, 40 रुपया आ जाता है, मतलब 40 रिंगिट आ जाता है एक महीना का पेट्रोल का खर्चा। 30 40 दो लोग जाते हैं तो मतलब 20 20 रुपया पकड़ के, एक आदमी पे 20 रुपया ऐसे कह के मिल पैसा मिलता मिल जाए, मतलब हम लोग लगा के दो लोग 40 रुपया में एक महीना ड्यूटी कर लेते हैं, ठीक है ना? वो बाज़ार भी करते हैं, ऐसा नहीं कि बाज़ार भी नहीं, दुकान पे भी जाते हैं, दुकान से भी आते भी हैं, तो मतलब थोड़ा दूर का मार्केट भी हो गया, कहीं घूमने चला गया, ऐसे करके मतलब 40 रुपया महीना के लग जाता है वो पेट्रोल के भाई। एक दिन फुल कराते हैं तो 3 दिन कभी चल जाती है, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन भी चले जाते हैं। वो कितना दूर चला दे गाड़ी, कहाँ चलेगा? पहाड़ी पर चढ़ने लगा तो मतलब थोड़ा दूर पहाड़ है, अब पहाड़ पर गया भाई तो वहाँ पे भी क्या होगा, ऊपर है नीचे है फिर चढ़ान है भाई, चढ़ेगी कभी कभी इतना तेल पी खलती, कभी कभी तो एक दिन में ना ख़त्म कर देती है। तो वो इसके लिए भाई तो कंपनी के हिसाब से 3 रुपये देते तो ठीक है, वो उतना पूरा पैसा निकल जाता है पेट्रोल का। एक चीज़ है कि सब लोग मलेशिया में गाड़ी वोड़ी नहीं मिलता है, कंपनी नहीं देती है ड्यूटी जाने के, भाई खुद के गाड़ी खरीदना पड़ता है यहाँ पे जाने के लिए। विदेश में दुबई में सब में कंपनी गाड़ी देती है, बट यहाँ पे गाड़ी खुद। अब सब लोग नया लोग आया था अगले महीना में जो आया था भाई, वो लोग भाई ना जानते हो कंपनी क्या बोल रही है, जल्द से जल्द गाड़ी खरीदो वो गाड़ी के लिए, क्यों कंपनी ड्यूटी पहुँचवाती है, वो आने के बाद पहुंचाती है, 1 2 महीना पहुंचा दिया, उसके बाद वो प्रेशर डेली डाल रहा है कि तुम लोग गाड़ी खरीदो, गाड़ी अपनी जाओ, जब मन करे जब आओ, जब मन करे जब जाओ। इसलिए गाड़ी खरीद लेगा तो कंपनी टेंशन नहीं रहता, कंपनी गाड़ी इतना बड़ी है को वहाँ यहाँ जाने में कब आती है कब नहीं आती है,
उसी तरह बैठा रहता है। इसके लिए कंपनी प्रेशर डाल दी कि गाड़ी खरीदो जल्द से जल्द। इसमें यही खातिर तो भाई बहुत है कि गाड़ी के लिए खुद का रखना ही पड़ता है भाई। गाड़ी आओ 1200 1100 द 1000 का 900 800 रिंगिट का, मतलब गाड़ी 500 600 की मिलती है। गाड़ी 300 की गाड़ी मिलती है, 300 के लोगों तो भाई 18 गाड़ी मिलेगी, सारी चढ़ी गई नहीं पहाड़ पे। यहाँ पर जानते हो गाड़ी का क्लच नहीं है, ये भी बात है। तो इसके लिए भाई अच्छा लेगा, इसके लिए बढ़िया गाड़ी ले लो ना, खर्चा सर्चा कुछ नहीं रहेगा, अच्छा ले लो गाड़ी तो ठीक ना भाई। आना ड्यूटी के लिए तो अच्छा गाड़ी खरीदना है, बढ़िया चलाना, 1 साल 2 साल ना, फिर जाना तो बेच के चले जाना ठीक ना भाई। अगर भाई वीडियो पसंद आएगा तो भाई लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। मेरा इंस्टाग्राम पे भाई किसको पूछना है तो इंस्टाग्राम पे नीचे लिंक मेरा नीचे रहता है, उसे पूछ सकता है भाई कोई भी बात ठीक ना भाई, ऐसा कोई टेंशन नहीं।